वैगना नी चार जी वैगना नी उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू इक्की बारी जोर ला ले छत्तियां मैंने इको नारदा मैं दस बारी फारदा मैं ओदे उत्तों सौ सौ दियां गत्थियां टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू इक्की बारी जोर ला ले छत्तियां हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं करण। आज हम आ चुके हैं ऑटोमेटिक कार डेकोर हिमांशु भाई का। हिमांशु भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भैया। क्या लेके अपने ऑडियंस के लिए? स्कॉर्पियो एंड बेस वेरिएंट, जेड टू वेरिएंट। बेस वेरिएंट है, जेड टू वेरिएंट जो बिल्कुल ब्लैंक आती है कंपनी तरफ से। अब इसके क्या कुछ चेंजेस करने वाले? इसको अभी हम जेड एट एल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आउटर फेस, इंटीरियर फेस दोनों के अंदर? दोनों के अंदर। ठीक है, फ्रंट से बात करिए, क्या कुछ चेंजेस करने वाले? फ्रंट में हमने महिंद्रा का जेन्युइन फॉग लाइट इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, महिंद्रा जेन्युइन बॉक्स पैक, महिंद्रा की बैजिंग भी मिल जाती है, प्लस टू कपलर अपना फिटिंग रहता है, देख सकते हैं। प्लग एंड प्ले रेडी कर दिया जाएगा। हेडलाइट में 180 वॉट्स की एलईडी इंस्टॉल कर रहे हैं, हाई बीम और लो बीम दोनों। हैलोजन सेटअप आता है। हां जी, ग्रिल क्रोम इंस्टॉल कर दिया, महिंद्रा का ओरिजिनल जो रिप्लेसमेंट पीस के अंदर रहते हैं, देख सकते हो। पहले कुछ ठीक है, पहले ब्लैक स्लॉट्स आते थे, ये हटा दिया। रिप्लेसमेंट है, कोई पेस्टिंग सिस्टम नहीं है, मार्केट में लोग पेस्टिंग वाला अपग्रेड कर देते हैं। उसके बाद नीचे स्किट लगेगा सिल्वर वाला। ठीक है, आउटर से फुल टॉप मॉडल देख सकते हो अपना चल रहा है, और फिटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम किस बकेट फिटिंग का प्रोसीजर है। तो उसके लिए सिलाई पूरी ओपन करते हैं, देखो एक्स्ट्रा कुशनिंग भी करी जा रही है उसके अंदर, अच्छी खासी लेवल की, तो कंफर्ट लेवल अच्छा मिल जाता है। देखो एक बैग चढ़ गया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो हम किस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है भाई, फिटिंग एंड फिनिशिंग टॉप एंड वेरिएंट डिजाइन सेम टू सेम फिटमेंट के अंदर, और बिल्कुल भी रिंकल नहीं, देख रहे हो कहीं से भी चाहे यहां। बाकी कस्टमाइज ऑप्शन सारे मिल जाते हैं अपने पास, है ना? ऑप्शन भी मिल जाते हैं अपने पास। ठीक है, बाकी साइड फेस में बात करने वाले, फ्रंट में रिंग्स आते हैं। 17 इंच के अलॉय है, जेन्युइन आफ्टर मार्केट, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्किट सिल्वर है, हैंडल पेंट है, विंडो क्रोम, मिरर ऑटो फोल्ड। ठीक है, मतलब फुली टॉप मॉडल ऑटो फोल्डिंग के साथ, दो गार्निश रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट सीट के अंदर रहता है। अंदर से क्या कर दिया भाई पूरा? अंदर से भी हम इसको जेडेट एल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जितने भी पियानो सिल्वर पार्ट्स आते हैं जेडेट एल में वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, डैशबोर्ड अपना लेदर राइट है, सॉफ्ट टच के अंदर। तो ये बिफोर लुक है पूरी अभी। उसके बाद इसमें सिस्टम का भी वर्किंग चल रहा है, देख सकते हो वायरिंग वगैरह। सिस्टम कौन सा लगा रहे इसके अंदर? वही एक एम्प और बुफर। ठीक है, एम्प और बुफर अपग्रेड करने वाले, इंटरफायर का ब्रांड में करते हैं, देख सकते हो पीछे। ठीक है, पीछे दिखा भी देते हैं, तो कस्टमाइज इंक्लोजर भी अपग्रेड कर रहे हैं, हटना पड़ता था। तो भाई यहाँ पर दिखा देता हूँ, पहले अंदर डैम्पिंग कर दी जाती है इसके अंदर, उसके बाद एक इंक्लोजर अपग्रेड कर देते हैं JBL का। JBL का कि जो क्वालिटी अच्छा रहने वाली है ना। और उसके बाद जो इसका वो है स्पीकर, स्टॉक स्पीकर, उसको भी हम एम से रन करेंगे। ठीक है, वाइपर का भी काम चल रहा है इसमें, देख रहे हो हमारा वाइपर अपग्रेड कर रहे हैं, पाइप वाइप आ चुका है, साथ में स्पॉइलर भी लग चुका है, हमने इंस्टॉल कर दिया है। महिंद्रा जेन्युइन ड्रिल सिस्टम रहता है, बाकी पूरी आउटर से भी टॉप मॉडल फिनिश आउटर से भी है, बाकी डोर भी इसमें हमने डैम्पिंग किया है, देख सकते हो। ठीक है, डोर्स भी डैम्प कर रहे हैं, तो ये देख लो भाई डबल लेयर डैम्पिंग है। और एक गाड़ी अपनी और वो खड़ी है भाई, ये परसों रात वाली है। ठीक है, वैसे इंटीरियर दिखा दे, मैंने इसमें इंटीरियर चेंज करा, कस्टमाइज इंटीरियर का ऑप्शन रहता है, तो भाई अंदर से दिखा देते हैं। ये देखो, अच्छा फुली कस्टमाइज है इसके अंदर, कंप्लीट कस्टमाइज है, सीट कवर से लेकर इंटीरियर देख सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटी फिट एंड फिनिश आपके सामने भाई, कितनी प्रीमियम निकल के आ रही है। डैशबोर्ड पूरा लेदर राइट है, ये सॉफ्ट टच है, लेदर राइट नहीं है। ठीक है, देख सकते हो फुल सेम टॉप मॉडल फील्स के अंदर आता है, साथ में अपने प्राउड ऑनर है। सर कहाँ से आए थे आप? देहरादून से आया हूँ, बहुत बढ़िया काम है, आग बंद करके आ जाए। बढ़िया लगा काम, बहुत बढ़िया। और ये गाड़ी में परसों काम किए थे, अभी सनग्लास होल्डर उस दिन नहीं था तो अभी लगवाने आए थे। ठीक है, पूरी फिटमेंट अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बैक से भी दिखा देते हैं, बैक के अंदर ही बिल्कुल सेम फिटमेंट आपको मिल जाती है, तो इस कलर के अंदर भी अपग्रेड करवा सकते हो। बाकी कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ जी, हिमांशु सारी वर्किंग के लिए आना कहाँ पर? ऑटोमैजिक कार डेकोर क्रोल बाग 17 पुसा रोड। ठीक है, क्वालिटी स्टोर है ऑटोमैजिक कार डेकोर, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से महिंद्रा का लाइनअप दिखा रहे हैं। स्कॉर्पियो वैन आती बेस मॉडल है, बन के आती टॉप मॉडल। चलिए भाई, यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो हो चुकी है रेडी, साथ में आया हिमांशु भाई, कम्प्लीट सारा काम? हाँ जी भैया, कम्प्लीट है भाई। वेरियंट कौन सा था ये? था ये Z2, बट इसमें हेडलाइट छोड़ के हमने इसको कंप्लीट अभी Z8L बना चुके हैं। ठीक है, Z2 वेरिएंट आया था, फुली यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हैं आपके सामने, फुली टॉप मॉडल फील्स के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है सामने। तो बात करते हैं भाई फ्रंट से क्या कुछ चेंजेस करे गए। फ्रंट में इसमें जैसे डेटा में दिखाया था, महिंद्रा का जेन्युइन हमने फॉग लाइट इंस्टॉल कर दिया है, जो DL के साथ आता है, वही महिंद्रा का जेन्युइन बेजल। और प्लग एंड प्ले प्रोसेस, प्लग एंड प्ले वायरिंग रहता है, कॉम्बिनेशन स्विच के साथ हमारा एक्टिवेशन वायरिंग रहता है। ठीक है, इसकी वर्किंग दिखाना है एक बार भाई पहले। तो भाई वर्किंग चेकआउट करवाया था, जिसके अंदर पार्किंग ऑन करने के बाद फॉग लाइट, ये देखो हमारा पार्किंग ऑन है, फॉग लाइट ऑफ है, ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच से वर्किंग है। ठीक है, जेन्युइन वर्किंग है, जब इसको हम ऑन करेंगे तभी ये ऑन होगा। तो ये कुछ रिस्पांस इसका मिल जाता है फॉग लाइट का, बिल्कुल एक बेसिक रिस्पांस है। साथ में भाई कॉस्टिंग जान लें इसकी।
ये अगर आप बेस टू टॉप कराते हो तो इसकी कॉस्टिंग पड़ता है 5500 रुपए, जिसमें आपको फॉग लाइट बेजल वायरिंग कंप्लीट इंक्लूड रहता है। कोई लेबर चार्ज एक्स्ट्रा? कोई लेबर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। और जितने भी प्राइसिंग है बेस टू टॉप वालों के लिए, जो 1.5-2 लाख का काम कराते हैं उनके लिए। जो वीडियो में क्लियर कर देते हैं ना, बहुत भाई आते हैं, आप मेरे को 50,000 का 60,000 का 1 लाख रुपए का काम है, कहता भैया अपना 8500-6,000 का दे दो, उनके लिए नहीं है, उनको थोड़ा सा माइनर डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, हेडलाइट में चेंजेस क्या करें? हेडलाइट में हमने 180 वाट्स की एलईडी इंस्टॉल किया हाई बीम और लो बीम के अंदर, जो अपना 2 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। ठीक है, इसका रिस्पांस दिखाना है एक बार भाई। तो अभी के लिए यहाँ पर ये ऑफ पे रिस्पांस है और इसको ऑन कर देते हैं। ये सिर्फ लो बीम और ये हाई बीम है। तो फ्रंट पे कितना ब्राइट सेटअप आपको मिलेगा देखने के लिए? चलेगा रोड पे तो 200-300 मीटर आराम से एरिया कवर करेगा। मतलब टॉप एंड वेरिएंट हेडलाइट्स फेल है ना इसके सामने? टॉप मॉडल भी अब 0 है इसके सामने भाई, कंपेयर कर लेना कहीं गाड़ी मिले। इसके सामने बहुत ऊपर है, बट रोशनी वाइज नहीं। हम रोशनी की बात करते हैं, देखो लुक देखो अलग चीज हो गई। और अगर लुक में जाते हैं तो इसके अंदर भी कस्टमाइज हमने बहुत सारे ऑप्शन निकाले, प्रोजेक्टर्स, DRL, डेमेनाई, DRL, हर चीज दिखा रहे हैं, आप करवा सकते हो। ठीक है, बाकी बात कर ले भाई इसकी स्टार्टिंग कितने से मिल जाती है? एलईडी की स्टार्टिंग 2500-3000 से है, बाकी एज अ क्वालिटी एज अ वारंटी वो डिपेंड करता है उसके रेट। अब ग्रिल में ग्रिल में हमने अपना महिंद्रा का जर्मन 7 स्लॉट ग्रिल इंस्टॉल किया है, जो 7 पीस के अंदर रहता है, पेस्टिंग सिस्टम नहीं है, ऊपर वाला। ठीक है, क्या कॉस्टिंग है इसकी? कॉस्टिंग पड़ता है 2800 रुपए बेस टू टॉप पे। 2800? हाँ जी। बाकी नीचे की तरफ हमने स्किड प्लेस इंस्टॉल किया है, जो 3 लेयर पेंट के साथ रहता है, 3 साल की गारंटी आपको इसकी भी मिल जाती है। ये तो नहीं भाई उतर उतर जाएगा पेंट? भैया गारंटी इस चीज की तरह। कितने की प्राइसिंग है फ्रंट और बैक? फ्रंट और बैक 2500 रुपए। 2500 रुपए के अंदर। ठीक है, अब साइड फेस में बात कर ले। साइड फेस में हमने महिंद्रा का जर्मन 17 इंच अलॉय इंस्टॉल कर दिया है, इसकी कॉस्टिंग आपको 17 इंच की 40,000 रुपए, 18 इंच की 50,000 रुपए मिल जाता है। ठीक है, फुटरेस्ट इंस्टॉल कर दिया है महिंद्रा का जर्मन ब्लैक वाले, जो जेडएटएल में मिलते हैं, स्ट्रेंथ लेवल आपके सामने है। ग्लाइडिंग भी इंस्टॉल कर दिया इसमें सिल्वर वाले, जो टॉप मॉडल में आते हैं, हैंडल कर दिया हमने बॉडी कलर विंडो। थोड़ा कॉस्टिंग जान लेते भाई पहले, फुटरेस्ट क्या कॉस्टिंग है? इसकी कॉस्टिंग आपको 4500 रुपए, इसकी कॉस्टिंग पड़ता है 3500 रुपए, हैंडल अगर टॉप मॉडल वाले लगवाते हैं तो 7000 रुपए। ठीक है, बाकी विंडो क्रोम हमने 6 पीस इंस्टॉल किया, आगे का 4 पीस रिप्लेस होता है और पीछे का 2 पीस जो है हमारा पेस्टिंग रहता है। ठीक है, साथ में रूफ रेल अपग्रेड करेंगे महिंद्रा का जर्मन ही, हमने रूफ रेल भी इंस्टॉल किया, ड्रिल सिस्टम रहता है, ड्रिल सिस्टम रहता है, पानी का गारंटी आपको लाइफ टाइम मिल जाता है, रेन वाइजर आफ्टर मार्केट गैलियो का हमने इंस्टॉल कर दिया इसमें, जो स्कॉर्पियन रेड वाइजिंग के साथ आता है। ठीक है, एक मिरर्स रह गए भाई अपने, इसमें मिरर भी हमने ऑटो फोल्ड किया है विद ब्लैक कैप के साथ। क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसकी? कॉस्टिंग पड़ती है आपको 11,000 रुपए, कैप अलग है 11,000। हाँ, जिसमें आपको मिरर, मिरर स्विच, रिले कंप्लीट इंक्लूड रहेगा, लेकिन जो ये कैप है उसकी पेंट कैप की कॉस्टिंग अलग पड़ती है, हर वीडियो में क्लियर कर देते हैं। इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ जाता है 5500 रुपए, रूफ्रेल भी पड़ता है अपना 5500 रुपए, 10 पीस के अंदर आता है कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक से बात करते हैं भाई, बैक से टॉप एंड वेरिएंट बनाने के लिए स्पॉइलर तो लगाना ही पड़ेगा। हमने महिंद्रा का जर्मन ही स्पॉइलर इंस्टॉल किया है, वर्किंग वाइपर भी रहता है इसमें। ठीक है, OEM कैमरा, बम्पर क्रोम और स्किड प्लेट भी कंप्लीट इसमें हम इंस्टॉल कर चुके हैं। वाइपर भी ऑन दिखाना भाई, तो वाइपर की वर्किंग चेक करवाए थे भाई, क्या कुछ लुक मिल जाती है, साथ में ऑटो कट वर्किंग भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। वाइपर ऑन हो चुका है, वॉशर ऑन करना भाई एक बार, देखो वॉशर भी मिलने वाला है इसके अंदर यहाँ पर, और ऑफ करना तो ऑफ करते हैं जेन्युइन प्लेसमेंट के अंदर। यहाँ पर ही अपना ये अपना ऑटो कट के साथ रहता है, तो ये अगर इसको हम यहाँ भी ऑफ करेंगे तो ये अपने जगह पे ही जाकर रुकेगा। क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसकी? इसकी कॉस्टिंग पड़ता है 6500 रुपए, इसकी कॉस्टिंग पड़ता है आपको 5500 रुपए, बम्पर क्रोम की कॉस्टिंग पड़ता है 2500 रुपए और इसकी आगे पीछे 2500 रुपए। ठीक है, आउटर दिखा दिया, अब इंटीरियर दिखा दे। इंटीरियर की तरफ इंटीरियर से फुली एक टॉप मॉडल फिनिश के अंदर कन्वर्ट करा गया, एक बार ऑटो फोल्डिंग दिखाया थे, लॉक करने मिरर्स फोल्ड हो चुके हैं, जब अनलॉक करेंगे ये अनफोल्ड हो जाएगा। अभी कोडिंग नहीं करी इसके अंदर, ये भैया को कंपनी से मतलब पैसे वो जा चुके हैं, वहाँ करवाएंगे। हाँ जी, ठीक है, डोर से स्टार्ट करेंगे हिमांशु भाई, डोर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने इंस्टॉल किया है सॉफ्ट टच, जो हार्ड प्लास्टिक आता है इसको हमने सॉफ्ट टच में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये भी हमारा लेदर राइट रहता है, देख सकते हो फिट एंड फिनिश कितना क्लियर मिलने वाला है आपको, डुअल स्विच मिल जाएगा साथ में पैनल्स, स्विच प्लेट महिंद्रा का जर्मन हमने इंस्टॉल कर दिया है, इनर हैंडल भी अपना महिंद्रा का जर्मन है और ग्रैब हैंडल भी महिंद्रा का जर्मन है, और स्विच भी रिप्लेस है, स्विच भी रिप्लेस है महिंद्रा जर्मन। हाँ जी, टोटली कॉस्टिंग क्या पड़ जाती है इसकी? टोटल की कॉस्टिंग 12 पीस की कॉस्टिंग पड़ जाता है आपको 10,500 और स्विच की कॉस्टिंग पड़ जाती है 4800 रुपए। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी ये महिंद्रा जर्मन है, कंप्लीट महिंद्रा। अगर सिल्वर और पियानो में जाता तो भैया जर्मन ही कामयाब है, फिर उसमें आप पेंट में जला के 1000-2000 रुपए बचा तो लेते, लेकिन वो फिर वो वाला फिनिशिंग नहीं। जब आप इंटीरियर करवा रहे हो तो आप ग्लॉसी ग्लॉसी करवा सकते हो, अगर हम ग्लॉसी करते तब हम पियानो लगाते, वो भी ये दोनों पियानो करते तब भी हम ये जर्मन ही लगाते, जर्मन ही, क्योंकि जो जर्मन की फिनिशिंग और जो जर्मन की बातचीत है ना, वो आप कभी पेंटेड में नहीं मिल सकता, भले आप 1000-2000 रुपए बचा तो लेते हो लेकिन एक जर्मन वाली फील उसमें नहीं आती है। कार में एंटर करने में यहाँ पर दिखा दे, फुली इंटीरियर मिलने वाला है,
ग्लॉसी पैनल्स, रिप्लेसमेंट सीन, स्विच रिप्लेस करे गए हैं, इनर हैंडल्स दिखाई दिए, ग्रैब हैंडल्स, साथ में ए पिलर्स नहीं आते, ए पिलर्स में नहीं आते, हमने महिंद्रा का जर्मन ए पिलर इंस्टॉल कर दिया। क्या कॉस्टिंग पड़ती है? कॉस्टिंग पड़ती है इसकी दोनों साइड की, बोथ साइड। ठीक है, साथ में भाई यहाँ पर डैशबोर्ड हमारा सॉफ्ट टच है, फिर से दुनिया करती होगी लेदर राइट, लेकिन हम करते हैं सॉफ्ट टच, फुली टॉप मॉडल फील्स जिसको बोलते हैं, फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो कितना क्लियर मिलने वाला है, कॉर्नर टू कॉर्नर, चाहे स्टिचिंग की बात करूं चाहे जिसकी मर्जी बात करूं। ठीक है, ये देखो इधर भी अपना सॉफ्ट टच ही है, पूरा डैशबोर्ड इसके लिए ओपन कर रहा था, स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, हम बिल्कुल आपको करके देते हैं, देख सकते हो कोई कहता है दबा आ जाता है कुछ, कहीं से लहर भी नहीं मार रही, फिटमेंट 1% भी, और कॉर्नर देख लो भाई बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। साथ में भाई नीचे फ्लोरिंग करिए, नीचे इसमें हमने फ्लोरिंग कर दिया है, ठीक है, ऊपर अपने मैट का ऊपर से 70 हमने लग्जरी मैट डाल दिया है, वेलक्रो सिस्टम है, प्लेट भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया स्कॉर्पियो वैन की, साथ में हर टॉप नॉच क्वालिटी सीट कवर, सीट कवर जो फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो आपके सामने है, बिल्कुल टॉप मॉडल की तरह लगने वाला लग रहा है। ठीक है, सेम जो टॉप मॉडल में था वही फिटमेंट इसके अंदर अपग्रेड करी गई, बकेट फिटिंग का प्रोसीजर है, क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, यहाँ पर कुशनिंग भी करी गई है, कुशनिंग भी किया और रिंकल फ्री सीट कवर आता है, और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने इंटीरियर का ऑप्शन भी दिखाई दिया था जिसमें आप इंटीरियर कस्टमाइज करवा सकते हो। इसके बाद आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच है, गियर कंसोल हमने पियानो इसमें कर दिया है, स्टूडियो फ्रेम हमने पियानो किया, और स्टूडियो हमारा कंपनी वाला स्टॉक रहा, कंपनी का स्टॉक रखा गया। हां जी, स्टीयरिंग पे चेंजेस क्या करे भाई? स्टीयरिंग के कवर हमने मून डिजाइन में इंस्टॉल कर दिया है, और स्टीयरिंग कंट्रोल हमने इसमें महिंद्रा का लगा दिया है, महिंद्रा का जमाने देख सकते हैं। ठीक है, MID कंट्रोल्स जो आपके मीटर पे वर्किंग आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, साथ में भाई अभी क्रूज वर्किंग नहीं है तो डमी रहता है, ये ग्लॉसी मिल जाते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपके वर्किंग रहते हैं, महिंद्रा जेन्युइन प्लग इन प्ले है, प्लग एंड प्ले रहता है स्टीयरिंग पे, बाकी डुअल रैप करा गया, डुअल रैप कर दिया हमने, इसकी कॉस्टिंग की बात करो तो आपको पड़ जाता है 5500 रुपए। ठीक है, हाँ जी, बाकी इसमें भाई अब बात कर ले साउंड में भी चेंजेस करे, हाँ, इसमें हमने पीछे JBL का बूफर इंस्टॉल करके एक इंटरफायर का 4 चैनल है, चारों जो ओरिजिनल स्पीकर है उसको हमने एम से रन करा, जो हमने बहुत वीडियो में पहले भी दिखा रखा है, तो इसके स्पीकर अच्छे हैं तो हम चेंज नहीं करते, और ना हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि भैया चेंज करवाओ, बाकी डोर में हमने डैम्पिंग भी किया इसमें। ठीक है, साथ में भाई ये वाला पार्ट भी पूरा रिप्लेस करा जाता है, ये जब हम इसको वाइपर लगाते हैं ये भी पार्ट देखो ये रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जिसमें आपको वर्किंग वाइपर मिल जाता है। अब थोड़ा सा इस पूरी गाड़ी की बिलिंग जान ले कितनी इस गाड़ी को, जो बिलिंग है जितना मैंने काम दिखाया है टोटल है 197 का समथिंग, 2 लाख रुपए आप बोल सकते हो, मोटा मोटा 2 लाख, जिसमें अलॉय व्हील्स के साथ पूरी अपग्रेड करी गई है, अलॉय व्हील भी है, म्यूजिक सिस्टम भी है, डैम्पिंग भी है, लग्जरी इंटीरियर भी है, और फॉग लाइट और बाकी इंटीरियर की बात कर ले स्टार्टिंग कितने से मिल जाती है, इंटीरियर अगर ओरिजिनल में जाते तो भी 18,000 रुपए, और कस्टमाइज में जाते हो तो 25,000 रुपए से स्टार्ट। ठीक है, बाकी सारी वर्किंग के लिए आना कहां पर है? ऑटो मैजिक कार डेकोर क्रोलबाग 17 पूसा रोड अपोजिट सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, स्क्रीन पर सारे नंबर डिटेल लेनी हो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ में अपने प्राउड ओनर, क्या नाम है आपका? दिनेश अंतिल सर। आपका कहाँ से आए थे भाई? मैं सोनीपत से, खेवड़ा गाँव। ठीक है, सोनीपत से दिल्ली आना भाई, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो काम है वो एक नंबर है, बिल्कुल बढ़िया लगा, बिल्कुल। बेस वेरिएंट लेके आए थे? हाँ, बेस वेरिएंट लेके आया था। टॉप मॉडल बन गई? बिल्कुल बन गई, बिल्कुल। जितने पैसे खर्च कर रहे वसूल लग रहे हैं ना? बिल्कुल वसूल लग रहे हैं, बिल्कुल। भाई आपको कैसा लगा काम? बढ़िया लगा भाई, काम बढ़िया लगा है ना। कोई भाई आने की सोच रहा हो वीडियो देख के आपकी, तो रिकमेंडेड है उसके लिए? बिल्कुल करो जी, मैं तो कहता हूँ जो काम करने की क्वालिटी है ना वो बिल्कुल A1 है, A1 है, दिल मैं उतर जाता कि हाँ जेन्युइन काम करा है। लग तो नहीं था आफ्टर मार्केट कहीं से वर्क करवाया हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी अगर 10 में से कुछ रेटिंग देनी हो कितने दोगे? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। और डिस्काउंट दिया भाई ने? नहीं दिया, बिल्कुल दिया डिस्काउंट जी। चलो, हिमांशु भाई आना कहाँ पर है? ऑटो मैजिक कार्ड कोर क्रोलबाग 17 पूसा रोड। थैंक यू।